सीपीआई सीपीएम माले वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, तो मैं अनुमान के आधार पर कोई टिका टिप्पणी नहीं करूँगा। सरकार का जब निर्णय हो जाएगा तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। तो बाहर लंबा चौड़ा बयान देने में क्या लगता है, मीडिया में बने रहने के लिए लंबा लंबा बयान दे दिया, ईंट से ईंट बजा देंगे, फलाना कर देंगे, तो खिलाफ में क्यों नहीं वोट किया, करते खिलाफ में वोट। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन से सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही थी कि आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही थी कि आज कैबिनेट में राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग सकती है, लेकिन आपने देखा कि इस बार भी अरमानों पर पानी फिर गया। आपने देखा कि बैठक हुई भी और बैठक खत्म भी हो गई, लेकिन राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो आज हमने भी इन्हीं तमाम मौजूदों पर बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी से भी जानने की कोशिश की है कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, सूत्रों के हवाले से सुबह से ये खबर चल रही थी कि जब आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है तो आज राज्यकर्मी के मुद्दे पर मोहर लग सकती है, नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, लेकिन हमने देखा कि आज भी उनके अरमानों पर पानी फिर गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? ये मैं किससे कह सकता हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो सरकार को तय करना है। जी, जो वामपंथी दल है सीपीआई सीपीएम माले वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं कहा कभी कि हम देंगे देंगे नहीं देंगे क्या होगा, तो मैं अनुमान के आधार पर कोई टिका टिप्पणी नहीं करूँगा। सरकार का जब निर्णय हो जाएगा तभी मैं कुछ कह सकता हूँ, उसके पहले मैं कोई टिका टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए, आज आपका भी एक बयान है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आपने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो एनडीए में अब दोबारा वापसी मुमकिन नहीं है। इस पर जेडीयू नेता ने भी बहुत कुछ कहा है, साफ कह रहे हैं कि हम आना कहाँ चाहते हैं जो आप खिड़की और दरवाजा खोल रहे हैं। देखिए, मीडिया जो इस तरह के का सबूफा छोड़ता रहता है जी। तो आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए तो मीडिया ने एक आकलन कर लिया। और देखिए, नीतीश जी राज्य तक कांग्रेस को डराते रहते हैं, उनको ये डराते हैं कि अगर तुम ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो हम बीजेपी के साथ चले जा सकते हैं, जबकि इधर आने का दूर दूर तक कोई भी गुंजाइश नहीं है। बीजेपी का दरवाज़ा बंद हो चुका है, वो अगर आना भी चाहेंगे तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। वो ना आए ये उनकी मर्जी है, लेकिन चूँकि मीडिया में इस तरह का मैसेज जाता रहता है कि वो नरम हैं वो जा सकते हैं, इसलिए मैंने हमेशा के लिए ये स्पष्ट कर दिया। और अमित शाह जी ने भी एक बार नहीं तीन बार चार बार ये स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने का कहीं कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। अच्छा, हमने देखा कि बीते दिन जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था तो रमेश भदूरी ने एक बयान दिया था लोकतंत्र के मंदिर में, ऐसा बयान, इसको सुशील कुमार मोदी जी कैसे देखते हैं? बहुत आपत्तिजनक बयान है, ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। और पार्टी ने उनको सोकोस नोटिस भी दिया है, उनसे परीक्षा पूछा है कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया, तो उनके जवाब आने के बाद पार्टी जो उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, एक्शन लिया जा सकता है? जी, एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, जिसके बाद हमने देखा कि तेजस्वी यादव काफी आक्रामक दिखे, साफ कह दिया और खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ओबीसी को कोटा नहीं दिया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बोलने में क्या लगता है, उनका तो एक भी एमपी नहीं है, और अगर उनकी आपत्ति थी तो राज्यसभा में क्यों वोट किया, क्यों समर्थन किया? इसलिए देखिए, ये नेता लोग बयान कुछ देते हैं करते कुछ हैं। महिला आरक्षण बिल का विरोध किया तो जनता ने ऐसा सबक सिखाया उनको कि आज लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाम लेवा भी नहीं है, एक भी एमपी नहीं है। इसी पार्टी के एमपी थे जिन्होंने बिल को फाड़ने का काम किया था, और जिस एमपी ने फाड़ा सुरेंद्र यादव, वो भी फिर दोबारा कभी सदन का मुंह नहीं देख पाए। तो जनता ने तो उनको सजा सुना दिया कि एक भी
नाम लेवा भी नहीं बचा राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में, और अगर आपको आपत्ति थी बिल से तो आपने समर्थन क्यों किया, आपको खिलाफ में मतदान करना चाहिए था। तो इसलिए देखिए, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये नहीं चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल पारित हो, इनके लोगों को डर है कि आरक्षण बिल पारित हो जाएगा तो उनकी सीटों का क्या होगा। तो इसलिए ओबीसी तो एक बहाना है, असली निशाना तो है कि आरक्षण बिल को रोको, लेकिन अब रोकने की ताकत नहीं रह गई। राज्यसभा में 4-5 लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो मजबूरन उनको भी साथ देना पड़ा, और नहीं तो खिलाफ में मतदान करते। तो बाहर लंबा चौड़ा बयान देने में क्या लगता है, मीडिया में बने रहने के लिए लंबा लंबा बयान दे दिया, ईंट सीट बजा देंगे, फलाना कर देंगे, तो खिलाफ में क्यों नहीं वोट किया, करते खिलाफ में वोट। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। देखिए, बड़ी बड़ी बातें कही हैं और कई इशारा कर दिया है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।